हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। एक्चुअली अभी कुछ दिनों के लिए मेरा वीडियोस थोड़ा कम ज़्यादा होगा, शॉर्ट लॉन्ग होगा, एंड टाइमिंग का भी थोड़ा सा इधर उधर होगा। एक्चुअली मैंने मेरा ऑफिस चेंज किया है एंड न्यू शिफ्ट भी स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए टाइम थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो। आई नो आप लोग मैनेज करोगे, मुझे पता है, बट स्टिल ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि विंग ने लंजा का ऑफिस ज्वाइन किया एंड उसका फर्स्ट डे बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो लंजे से भी मिला इतने सालों बाद, वो सिजू से मिला, जिनलिंग से मिला एंड जिंगी से भी मिला। जिनलिंग जो कि उसका नेफ्यू है, जिंगी जो उसका बहुत बड़ा फैन है, एंड सिजुई जो बहुत ही अच्छा लड़का है जिसे लंजा ने अडॉप्ट किया है। जैसे ही विंग अपने डेस्क पे जाकर बैठा, उसने देखा कि उसके डेस्क पे एक छोटा सा पोस्टेड नोट है जहाँ पर लिखा हुआ है, सीनियर वी, आपके ऑफिस के पहले दिन के लिए गुड लक, हंगोंग जून का ख्याल रखना एंड अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताना, मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए आपके साथ हूँ, लान सिजुई। ये लेटर देख के विंग को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत ही टच्ड हो गया। वो सोच रहा था, सच में सिजुई बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही केयरिंग है। तो उसने उस नोट के साथ कुछ सेल्फीज खींचा। देन उसने उस सेल्फीज को ग्रुप चैट में जहाँ पर वेंचिंग एंड वेंडिंग है वहाँ पर सेंड किया एंड मियामिया को भी सेंड किया। उस सेल्फी को देखकर वेंडिंग ने कहा, गुड लक, आपका कोवर्कर बहुत ही अच्छा है। विंग ने लिखा, हाँ बहुत अच्छा है, उसका नाम सिजुई है एंड वो बिल्कुल मिनी लंजा है बट विथ जेबोचुन्स चिल एनर्जी। तो वेंचिंग ने लिखा, हमें मैसेज करना बंद करो एंड अपने काम पर ध्यान दो, हमें शर्मिंदा मत करना, मैंने जियांग चंग को प्रॉमिस किया है कि तुम ठीक से काम करोगे। ये देख के विंग ने रिप्लाई किया, मैं तुम्हारे सेक्रीफाइस का ऑनर करता हूँ, ओके मैं काम पे वापस जाता हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय। देन विंग ने मियामिया का मैसेज ओपन किया। मियामिया ने लिखा था, हैंगोंग जून का ख्याल रखना ठीक है बट ज़्यादा ख्याल मत रखना, ठीक है। ये बोल के मियामिया ने इमोजी भेजा। विंग को समझ में नहीं आया कि मियामिया क्या कहना चाहती है, वो बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो गया। एनीवेज उसने अपना काम स्टार्ट किया। उसका फर्स्ट डे थोड़ा सा मिस था, जो कि अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उसका फर्स्ट डे है। उसने कॉल्स रिसीव किया, अपने कंप्यूटर का वॉलपेपर चेंज किया। जब वो अपने कंप्यूटर का वॉलपेपर चेंज कर रहा था, वो सोच रहा था कि वो क्या पिक्चर रखे। पहले उसने सोचा कि वो अपना पिक्चर रखेगा, तभी उसने कुछ वॉलपेपर्स देखा जहाँ पर एक वॉलपेपर में एक बनी का पिक्चर था। एक बनी एक कैरेट के साथ खेल रहा है एंड स्माइल कर रहा है। इस पिक्चर को विंग ने इमीडिएटली वॉलपेपर बना लिया। उसका फर्स्ट डे कुछ ऐसा ही गया। अब सेकेंड डे एज यूजुअल विंग को कॉल आने लगा। एक कॉल आया जिसमें किसी ने कहा कि वो लंजा से बात करना चाहता है। लंजा जो कि अपने केबिन में था, अपना काम कर रहा था, विंग उसे बाहर से देख सकता था। तो ये सुनकर विंग ने कहा, ठीक है थोड़ा सा वेट करिए। ये बोल के विंग ने कॉल को म्यूट में रखा। देन वो पेन के कैप को लंजा के ग्लास के ऊपर थ्रो करने लगा ताकि लंजे उसकी तरफ देखे। उसने पहला कैप थ्रो किया बट लंजे ने नहीं देखा। जब उसने दूसरा कैप थ्रो किया तब भी लंजे ने नहीं देखा। जब उसने तीसरा कैप थ्रो किया तब लंजे ने उस तरफ देखा। तो विंग ने इशारा करते हुए कहा कि ये कॉल उसका है। ये सुन के लंजा अपने केबिन के बाहर आया विंग के पास। विंग ने कहा, हैंगवांग जून, ये इंसान कह रहा है कि ये तुमसे बात करना चाहता है। ये सुन के लंजे ने पहले कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने फिंगर को ऊपर किया एंड इशारा किया ताकि विंग उसके फिंगर को फॉलो करे। देन विंग ने उसके फिंगर को फॉलो किया। लंजे ने अपने फिंगर को फ़ोन के एक बटन पे प्रेस किया, नंबर 2 बटन पे। जैसे उसने वो बटन प्रेस किया, वो कॉल लंजे के केविन के फ़ोन पे फॉरवर्ड हो गया एंड लंजे का केविन का फ़ोन बजने लगा। ये देख के विंग को समझ में आ गया कि कॉल फॉरवर्ड कैसे करते हैं। विंग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। ये बोल के विंग ने विंक किया। लंजे ने नोट किया एंड देन वो अपने ऑफिस में वापस चला गया एंड कॉल को रिसीव किया एंड विंग को इशारा किया ताकि विंग फ़ोन को काट दे। एंड विंग ने वही किया। कॉल को काटने के बाद विंग फ्लोर से जितने भी उसने कैप फेंका था उन्हें उठाने लगा एंड देन उसने इस चीज़ को अपने एक नोट में नोट कर लिया ताकि वो बात में भूल ना जाए। आज विंग का थर्ड डे था। इन 3 दिनों में विंग ने बहुत कुछ जाना ऑफिस के बारे में, बट वो ऑफिस के वॉशरूम के बारे में पूछना तो भूल ही गया था। उसे पता नहीं कि ऑफिस का वॉशरूम कहाँ पर है, तो वो किचन में चला गया। खाना खाने के बाद ब्रश करना होता है, तो वो किचन के सिंक में ब्रश करने लगा। तभी वहाँ पर जिंगी आया।
एंड उसे वहां पर ब्रश करते हुए देख के वो शॉक्ड हो गया। उसने कहा, सीनियर वी, आपको पता है ना कि वॉशरूम कहाँ पर है? विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब क्लाइंट बाथरूम? ऑफ कोर्स मुझे पता है, जिंगी ने कहा। नहीं, एम्प्लॉयज का बाथरूम फिफ्थ फ्लोर में है, लिफ्ट में, विंग ने कहा। ओ हाँ, मुझे पता है, मैं बस यहाँ पर ऐसे ही ब्रश कर रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा पास है ना, इसलिए, जिंगी ने कहा। ओके देन मैं चलता हूँ सीनियर वी, विंग ने नोट किया। जैसे ही जिंगी वहाँ पर गया, विंग दौड़ के वहाँ से निकला एंड वो फिफ्थ फ्लोर पे चला गया एम्प्लॉय बाथरूम पे। विंग को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। अब नेक्स्ट डे, आई मीन फोर्थ डे, विंग ने अपने एक पिक्चर के ऊपर ऑटोग्राफ देके जिंगी के केबिन के ऊपर रख दिया एज अ थैंक यू गिफ्ट। देन वो अपने डेस्क पे चला गया। वो अपने डेस्क से जिंगी की इंतज़ार कर रहा था। उसने देखा कि जैसे जिंगी अपने डेस्क पे आया एंड उसके ऑटोग्राफ देखा, वो बहुत हैप्पी हो गया। विंग ने उस ऑटोग्राफ में लिखा था, जिंगी तुम एक लाइफ सेवर हो, वी विश यान। ये देख के जिंगी बहुत हैप्पी हो गया। उसने विंग की तरफ देखा एंड इशारा करते हुए थैंक यू कहा एंड विंग ने थम्स अप दिखाया। बस उनका दिन ऐसा ही जा रहा था। देन नेक्स्ट डे जेवोचुन विंग के पास आए एंड उनसे पूछा कि उसे काम करने में कैसा लग रहा है। तो विंग ने कहा, लंजन अभी तक मुझे फायर नहीं किया है, इसका मतलब मैं ठीक ही कर रहा हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न जेवोचुन, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए अलाउ किया एंड लंजा को भी मनाया। ये सुन के जेवोचुन ने कहा, उसे मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी यंग मास्टर हुई, मैंने सिर्फ उसे बोला एंड वो खुद ही मान गया। ये सुन के विंग का हार्टबीट फास्ट हो गया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, मुझे पता है कि मेरे रिपोर्टेशन के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा और मैं भी पढ़ा भी है, इसलिए मुझे लगा था कि, तभी जेबोचुन ने कहा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ अगर अंकल आई भी रिटायर नहीं करते तो शायद आपको हायर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, बट थैंकफुली अभी अंकल रिटायर कर चुके हैं तो ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ा। एंड यंग मास्टर वी, मुझे पता है कि वांगजी भी आपको हेल्प करना चाहता है। ये सुन के विंग का हार्टबीट और भी फास्ट हो गया एंड उसके चीक्स भी रेड हो गए। देन उन लोगों ने दूसरे को गुड बाय कहा एंड अपने अपने काम में वापस चले गए। जब विंग अपने डेस्क पे वापस आया, उसने देखा कि लंजा उसके लिए वेट कर रहा है एंड उसके हाथ में बहुत सारे पेपर्स हैं एंड ऑफकोर्स लंजा एज यूजुअल बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। जैसे विंग उसके पास आया, विंग ने पूछा, मैं आ गया, बोलो हैंगवांगजुन, आपको मैं कैसा हेल्प कर सकता हूँ? हैंगवांगजुन ने कहा, इन पेपर्स का 3 कॉपीज करके लाओ। ये बोल के लंजन उन पेपर्स को विंग के हाथों में दिया एंड विंग ने उसे सेफली पकड़ भी लिया। विंग ने कहा, ठीक है, मैं लंच से पहले इनको तुम्हारे डेस्क में रख दूंगा, लंजन ने नोट किया। देन विंग वहाँ से जाने लगा। जब वो जा रहा था कॉपी मशीन के पास, तब वो सिर्फ जेबोचुन के बारे में ही सोच रहा था, आई मीन जेबोचुन ने जो कुछ भी कहा उसके बारे में। विंग को लगता था कि लंजन शायद उसे हेल्प नहीं करना चाहता, हेल्प तो दूर की बात, वो उसे कॉन्टैक्ट भी नहीं रखना चाहता, बट यहाँ पर जेबोचुन ने कहा कि लंजन से हेल्प करना चाहता था। ये सोचते ही विंग को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, उसके अंदर एक अलग ही फील आ रहा था जो वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग भी जानता है कि वो एंड लंजा कहीं भी दोस्त नहीं थे। आई मीन विंग लंजा को परेशान करता था एंड लंजा से उसे टॉलरेट करता था एंड ग्रेजुएशन के बाद उन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था, वो लोग अपने अपने करियर में बिजी हो गए थे। बट यहाँ पर जेबोचुन कह रहे हैं कि लंजा से हेल्प करना चाहता था। ये सोचते हुए विंग ने विस्पर करते हुए कहा, लंजा लंजा, सच में तुम मुझे हर एक दिन सरप्राइज कर रहे हो। ये सोचते हुए विंग हंस रहा था। विंग अपने थॉट्स में इतना बिजी हो गया था कि वो भूल ही गया था कि वो कहाँ जा रहा है। वो अपने थॉट्स में इतना डिस्ट्रैक्टेड हो गया था कि उसका धक्का कॉपी मशीन में लग गया एंड सारा पेपर नीचे गिर गया एंड बिखर गया। कुछ पेपर्स तो फर्नीचर्स के अंदर भी चले गए। ये देख के विंग स्टील हो गया। उसने विस्पर करते हुए कहा, लंजा मेरा मर्डर कर देगा एंड वेंचिंग वो मेरे डेड बॉडी को फिर से जिंदा करके फिर से मर्डर कर देगी, अब मैं क्या करूँगा? तभी वहाँ पर सिजुई आया। सिजुई ने कहा, सीनियर वी। सिजुई को देखकर विंग के आंखों में होप आ गया। उसने कहा, सिजुई मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। सिजुई ने कहा, ऑफ कोर्स। देन सिजुई ने फ्लोर की तरफ देखा और कहा, अरे। एंड देन उन लोगों को 10 मिनट लगा सारे पेपर्स को फिर से ऑर्गेनाइज करने में। पेपर ऑर्गेनाइज करने के बाद विंग ने सिजुई को बहुत बार थैंक यू कहा, पर सिजुई ने कहा, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। देन सिजुई ने पूछा, सीनियर वी क्या आपको कॉपी मशीन यूज़ करना आता है? विंग ने कहा, अगर तुम सिखा दोगे तो मैं सीख लूँगा। सिजुई ने नोट किया एंड उसने उसे कॉपी मशीन यूज़ करना सिखाया एंड विंग सीख भी गया। उसने सारे पेपर्स को कॉपी किया एंड वो लंजा के केबिन पे आ गया। उसने लंजा के डेस्क के ऊपर सारे पेपर्स रखा और कहा,
तुम्हारे पेपर्स रेडी है। अब बोलो, तुम मुझे लंच पे कहाँ पर लेके जा रहे हो? लंजा, जो कि विंग के फर्स्ट डे से उसके ऊपर नज़र रख रहा था, वो विंग के ऊपर कुछ ज़्यादा टफ टास्क नहीं देना चाहता था, बट वो चाहता था कि विंग कुछ नया काम सीखे ताकि विंग के फ्यूचर में हेल्प हो जाए। एंड एज एक्सपेक्टेड, विंग ने अपने काम को बहुत ही सीरियसली ले लिया। वो ऑफिस टाइम पे आता था, सूट पहन के आता था, वो हर एक टास्क बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करता था, वो लंजा के कॉल पे या फिर मीटिंग भी इंटरप्ट नहीं करता था, एंड सबसे बड़ी बात, वो लंजा के हर एक कॉल को लंजा से पहले रिसीव करता था। लंजा ने देखा कि विंग सूट में भी बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही सेक्सी दिखता है। लंजा का बहुत मन करता है कि वो विंग के पास जाए, बट ऑफकोर्स लंजा वर्क प्लेस में अपना लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता था, तो वो अपने आप को कंट्रोल करता था। वो हमेशा विंग के इंटरव्यूज दिखता था एंड विंग को देखता था। आज विंग के ऊपर पेपर्स को सौंपने के बाद लंजा विंग को ही देख रहा था। लंजा ने देखा कि विंग अपने ख्यालों में चल रहा है एंड विंग के साथ कॉफी मशीन का धक्का लगा एंड सारा पेपर्स नीचे गिर गया। ये देख के लंजा अपने चेयर से उठा विंग को हेल्प करने के लिए। तभी उसने देखा कि सिजुई भी उसी तरफ आ रहा है, तो उसने सिजुई को इशारा किया उसी तरफ आने के लिए। सिजुई लंजा के पास आया एक कन्फ्यूजिंग लुक लेके। लंजा ने कहा, सिजुई विंग को हेल्प करो। सिजुई ने पूछा, कैसा हेल्प? तो लंजा ने विंग की तरफ इशारा किया। तभी सिजुई ने विंग की तरफ देखा एंड उसका एक्सप्रेशन बहुत ही चेंज हो गया। सिजुई स्माइल करने लगा। सिजुई ने कहा, ऑफ कोर्स हैंग गुआंगजुन, अब चिंता मत करिए। लंजा ने नोट किया एंड थैंक यू कहा। दिन वो अपने केबिन में वापस चला गया एंड वो वहाँ से विंग को देखने लगा। लंजा ने देखा कि सिजुई विंग को हेल्प कर रहा है एंड वो विंग को सिखा रहा है कि मशीन को कैसे यूज़ करते हैं। लंजा ने देखा कि विंग ने सारे पेपर्स कॉपी कर लिया। जैसे ही लंजा ने देखा कि विंग उसकी तरफ आ रहा है, वो अपने काम पे ध्यान देने लगा ताकि विंग को पता ना चले कि लंजा उसे ही देख रहा था। देन विंग लंजा के केबिन पे आया एंड सारे पेपर्स लंजा के टेबल के ऊपर रखा एंड उसने कहा, ये लो हैंगगंगजुन, तुम्हारा सारा पेपर्स कॉपी हो गया है, अब बोलो तुम मुझे लंच पे कहाँ पर लेके जा रहे हो? ये सुनकर लंजा ने टाइम की तरफ देखा। उसे रियलाइज हुआ कि लंच ब्रेक का टाइम हो गया है, तो उसने कहा, अभी तुम लंच ब्रेक लेने के लिए फ्री हो, एक घंटे बाद फिर से मिलेंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, हैंगगंगजुन, शायद तुमने मुझे ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा तुम मुझे लंच पे कहाँ पर लेके जा रहे हो, मैंने ये नहीं पूछा कि मैं लंच पे जा सकता हूँ या नहीं। ये सुनकर लंजा ने कहा, मुझे अभी काम करना है। ये बोलते हुए लंजा ईमेल्स चेक करने लगा। विंग ने कहा, नॉनसेंस, अगर हैंगगंगजुन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक लंच रूल बना सकते हैं तो उन्हें खुद भी वो रूल फॉलो करना चाहिए ताकि सारे एम्प्लॉयज़ को एक एग्जाम्पल मिले। एंड वैसे भी तुम भी एक ब्रेक एंड गुड मील डिजर्व करते हो लंजा, तो हमें एक साथ लंच करना चाहिए। ये सुनकर लंजा सरप्राइज हो गया। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग सडनली उसे ऐसे लंच के लिए इन्वाइट करेगा। एंड सच बात तो यह है कि वो भी विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बट फिर भी उसे हेजिटेट फील हो रहा था। तो उसने कहा, मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील नहीं करना चाहता, ये कोई रूल नहीं है, तुम्हें मेरे साथ लंच करने की ज़रूरत नहीं है। तभी विंग ने शाई किया और कहा, लंजा लंजा, मुझे पता है कि ये कोई रूल नहीं है, बट मैं ये करना चाहता हूँ एंड इससे मैं अनकम्फर्टेबल फील नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर तुम मेरे साथ लंच करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि तुम अनकम्फर्टेबल फील करो। इससे पहले विंग गलत समझता, लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहूँगा। ये सुनकर विंग हैप्पी हो गया। उसने कहा, ग्रेट, देन यहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, स्पाइसी भी एंड ब्लैंड भी, एंड वेजिटेरियन ऑप्शन भी है। हम जाते जाते फ़ोन से मेन्यू पढ़ लेंगे। लंजा ने नोट किया और कहा, ठीक है। ये बोलकर लंजा ने अपने लैपटॉप को क्लोज किया एंड वो फ़ोन लेके विंग के साथ बाहर गया। जाते हुए विंग ने कहा, ये एक स्मॉल रेस्टोरेंट है, आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई मीन मुझे क्राउडेड प्लेस में अभी जाना नहीं चाहिए बिकॉज तुम्हें पता है ना। ये सुनकर लंजा फ्रंट हो गया। उसने कहा, क्या लोग आई भी तुम्हें परेशान करता है? विंग ने कहा, इट्स फाइन लंजा, अब मुझे आदत हो चुका है। ये सुनकर लंजा फ्रंट हो गया। उसने कहा, विंग? विंग ने कहा, सच में लंजा, डोंट वरी, अब यह सब हैबिट हो चुका है एंड अगर मैं मास्क एंड सनग्लास पहन लूँगा तो मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। ये सुनकर लंजा ने कहा, हैबिट हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे चीज़ ठीक है। विंग ने कहा, माई स्वीट लंजा, तुम ऐसे ये सब नहीं बोल सकते, तुम्हारे सेक्रेटरी का पूर हर्ट ये सब नहीं सह सकता। ये सुनकर लंजा ने अपने हेड को शेक किया, बट लंजा के ईयर्स रेड हो गए। जब वो दोनों जेबोजुन के ऑफिस के सामने से जा रहे थे, जेबोजुन उनकी तरफ वेविंग कर रहे थे। देन जेबोजुन ने लंजा की तरफ एक थम्स अप भी दिखाया, जिसे लंजा ने नोटिस किया बट विंग ने नोटिस नहीं किया।
जब वो दोनों लिफ्ट में थे, विंग लंजर को मेन्यू दिखा रहा था अपने फ़ोन में। उसने पूछा, बोलो तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगे? मैं तो चिकन खाऊंगा। तभी लंजन अपने फ़ोन को निकाला और कहा, हम मेरे फ़ोन से ऑर्डर करेंगे। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, नो आर्ग्यूइंग। विंग ने कहा, बट अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा ना? लंजा ने कहा, नो आर्ग्यूइंग। बोलो तुम क्या खाना चाहते हो? विंग ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, ठीक है। देन लंजन एंड विंग ने अपना अपना खाना ऑर्डर किया। कुछ टाइम बाद वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच गए। एंड जैसे कि विंग ने कहा, वो रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा था एंड लंजा के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लंजा को क्राउडेड प्लेस ज़्यादा पसंद नहीं, तो ये प्लेस उसके लिए बहुत ही अच्छा है एंड विंग के लिए भी। कुछ टाइम बाद उनका खाना भी आ गया। खाते हुए विंग ने पूछा, लंजा तो हम बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। लंजा ने कहा, खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। ये सुनकर विंग ने पाउट किया। उसने कहा, बट लंजा मैं तुम्हारे लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। लंजा ने कहा, खाना ख़त्म करने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। ये सुनकर विंग ने पाउट तो किया बट उसने प्रोटेस्ट नहीं किया एंड वो खुद ही बके जा रहा था। बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो स्टबर्नली चुप रहा एंड वो विंग के बातों को सुनने लगा। फाइनली जब लंजा का खाना हो गया, तब विंग ने लंजा की तरफ लीन्ड हुआ एंड उसने कहा, अब मुझे बताओ लंजा, अब तो तुम्हारा खाना भी हो गया है। लंजा ने पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? विंग ने कहा, सब कुछ। क्यों ना हम लास्ट ईयर से स्टार्ट करें, तुम्हारा लास्ट ईयर कैसा था? लंजा ने नोट किया और कहा, मैं बस काम कर रहा था, कुछ भी नहीं। ये सुनकर विंग फ्रोंड हो गया। उसने आई रोल किया और कहा, रियली लंजा, बस हो गया? तुम्हारा लाइफ सच में कितना बोरिंग है। लंजा ने कहा, मेरा वर्क ही सब कुछ है एंड मैंने दो बनीज भी अडॉप्ट किया है। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया एंड लंजा के ईयर्स रेड हो गया। विंग ने पूछा, बनीज? क्या तुम्हारे पास उनका पिक्चर्स है? लंजा ने नोट किया एंड उसने विंग को पिक्चर्स सिखाया। ये देख के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, वो कितने क्यूट है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम बनीस अडॉप्ट करोगे। लंजा ने कहा, मुझे बनीस अच्छा लगता है एंड डेसी एंड सनफ्लावर बहुत ही अच्छा कंपनी है। विंग ने कहा, हैंगवांग जून, आई एम श्योर वो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। लंजा ने स्माइल किया। देन लंजा ने पूछा, एंड व्हाट अबाउट विंग, लास्ट ईयर तुम्हारा कैसा था? ये सुनते ही विंग का स्माइल गायब हो गया। उसने कहा, तुम्हें पता है ना मेरा लास्ट ईयर कैसा था, तुमने न्यूज़ में सुना होगा। तो बस ऐसा ही घर पे था, सबसे दूर एंड अपने करियर को फिनिश होते हुए देख रहा था। ये सुनकर लंजा ने कहा, विंग। विंग ने शाई की ओर कहा, यही सच है लंजा, तुम्हें पता है ना क्या हुआ था? लंजा ने कहा, मुझे पता है बट फिर भी मैं तुम्हारे लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि उसने विंग के बारे में न्यूज़ में तो पढ़ा था पर वो विंग के मुँह से सुनना चाहता था कि एक्चुअली हुआ क्या था। विंग ने कहा, यू नो, मुझे लगा था कि जब तुम मेरे जॉब के बारे में सुनोगे तब तुम एकदम से मना कर दोगे, इस स्कैंडल के बाद तुम मुझे एज असिस्टेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे, मुझे ऐसा ही लगा था। लंजा ने कहा, मैं ऐसा कहीं भी नहीं कर सकता, मुझे पता है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम्हें फंसाया गया था, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत थी एंड मैं ये हेल्प कर सकता था एंड मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ विंग। ये सुनकर विंग का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, तुम सच में बहुत ही अच्छा इंसान हो हैंगवांग जून, तुम्हारा ये टाइटल तुम्हारे बिहेवियर से मैच करता है, तुम सच में डार्क में भी लाइट ला सकते हो। ये सुनकर लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ लंजा, तुम्हारे ऐसा अच्छा इंसान मुझे कहीं भी जज नहीं कर सकता। लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स। विंग ने कहा, सब कुछ बहुत ही हार्ड था मेरे लिए, एक साल पहले मेरा एंड वेंचाओ का एक ड्रामा आने वाला था, वो मेरा को स्टार था, हम एक साथ एक ड्रामा शूट करने वाले थे, तो इसलिए वेंचाओ ने एक पार्टी थ्रो किया था जहाँ पर मैं इनवाइटेड था। लंजा ने कहा, वेंचाओ का एक्टिंग बहुत ही बेकार है। विंग ने कहा, सच में बहुत ही बेकार है एंड वो इस फील्ड में इसलिए है क्योंकि उसका फादर का खुद का एक कंपनी है, वरना उसे कोई चांस भी नहीं देता। लंजा ने कहा, फिर भी खुद के बल से सक्सेसफुल होना चाहिए। ये बोल के लंजा सोच रहा था, हाँ ये लॉ फर्म उसका फैमिली का है बट स्टिल यहाँ पर आने के लिए लंजा को बहुत पढ़ना पड़ा था, उसने बहुत स्टडीज़ किया था, उसने बहुत एग्जाम्स दिया था तब जाके वो एक्सेप्टेड हुआ था, उसे यहाँ पर आने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ा था वरना उसका अंकल उसे कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो आज यहाँ पर अपने बल पे है, अपने अंकल की वजह से नहीं। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसने नोट करते हुए, मुझे पता है लंजा,
आज तुम जिस पोजीशन में हो वहाँ पर आने के लिए तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया था एंड सबको प्रूव किया था कि तुम इस पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। बट विंग चाओ, वो तो, लंजा ने कहा, एरोगेंट एंड अनस्किल्ड। विंग ने कहा, सही कहा, मुझे पता है कि उस पार्टी में मियाँ मियाँ था। एंड जब वो पार्टी में आई थी वो बहुत ही हैप्पी दिख रही थी, वो सबसे बात कर रही थी, हंस रही थी। एंड कुछ टाइम बाद जब मैंने उसे देखा तब वो बहुत ही सिमरे हुई थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। एंड वेंचर उसे खींचे कहीं पर लेके जा रहा था, ये सुनकर लंजा ने कहा, एंड तुमने उन दोनों को फॉलो किया। विंग ने कहा, ऑफकोर्स मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, सिर्फ उसे क्यों, मैं किसी को भी वेंचर के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता था। देन वेंचर उसे एक डार्क कॉर्नर में लेकर गया एंड देन वो उसे, लंजा ने कहा, विंग। लंजा को वेंचर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, थैंकफुली अभी मियाँ मियाँ सेफ है, बट इसके वजह से विंग को यह सब सहना पड़ा। विंग ने कहा, इससे पहले वेंचर कुछ कर पाता मैंने उसे रोक लिया एंड वेंचर वहाँ से भाग गया एंड सब लोगों ने मुझे मियाँ मियाँ के साथ देखा उस स्टेट में, लंजा ने कहा, एंड सब ने सोचा कि तुमने ये सब किया है। विंग ने कहा, हाँ, एंड सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब यह सब हो रहा था एंड जब मैं मियाँ मियाँ के साथ था तब जिन जिशुन ने उस सीन का एक वीडियो बनाया था एंड सब जगह पोस्ट कर दिया था। एंड तुम्हें पता है ना कि जिन जिशुन का फैमिली एक मीडिया कंपनी ओन करता है, लंजा ने कहा, बट तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, विंग ने कहा, हाँ उसका कज़न है, बट फिर भी कोई हेल्प नहीं हो पाया। मैं मियाँ मियाँ को हॉस्पिटल पर लेकर गया एंड सारे टीम्स को कॉल किया, बट तब तक जो डैमेज होना था वो हो गया था, सारे स्पॉन्सर्स मेरे हाथ से जा रहे थे, सब लोग मेरे साथ प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर रहे थे, भी मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। हाँ, मियाँ मियाँ के करियर पर भी असर पड़ा, बट उतना नहीं जितना मेरे ऊपर पड़ा था, ये बोलकर विंग ने शाई किया। लंजा ने कहा, विंग मैं, ये बोलकर लंजा चुप हो गया। वो उसे बोलना चाहता था कि वो उसे हेल्प करना चाहता था, वो उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था, बट लंजा ऐसा बोल नहीं पाया। विंग ने कहा, इसलिए मैं इस जॉब के लिए बहुत ही होपफुल हूँ, एक साल बाद मेरे पास एक ऑफर आया है, एक प्रोजेक्ट मिला है एंड मैं इसे परफेक्टली करना चाहता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने मुझे इस जॉब के लिए एक्सेप्ट किया, इससे मुझे एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच लंजा, लंजा ने नोट किया और कहा, हमेशा मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ विंग। विंग ने स्माइल किया और कहा, तुम्हें पता है लंजा, आई एम ग्लैड कि हम दोनों फिर से मिले, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लंजा ने कहा, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलते हुए लंजा के अंदर हैप्पीनेस भी फील हो रहा था एंड पेन भी। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।